हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोएम जिसका नाम है अकम्प्लिशमेंट्स, जो कि एलिजाबेथ राल्फ मर्ट्ज़ के द्वारा लिखी गई है एंड ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर सिक्स के पोएम है। सो स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में बेसिकली जेंडर रोल्स के बारे में बताया गया है कि जो मैन के रोल्स हैं वो क्या होते हैं, वुमेन के जो रोल हैं वो क्या होते हैं। मैन के रोल को सोसाइटी में अप्रिशिएट किया जाता है, मैन के जो रोल होते हैं वो नोटिस किए जाते हैं, जबकि जो वुमेन के रोल होते हैं उन्हें नोटिस भी नहीं किया जाता। वुमेन का जो लेबर होता है वो क्या है, अनपेड ही रह जाता है, इसके बारे में बताया गया है। अगर आप ऑथर के बारे में कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पर 5 या 6 लाइन्स हैं जो कि आप लिख सकते हो, अदरवाइज हम पोएम से ही स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पब्लिश इन रेडक्लिफ क्वार्टली, अकम्प्लिशमेंट्स डील विद जेंडर रोल्स। ये जो पोइम है अकम्प्लिशमेंट्स, ये डील करती है जेंडर रोल से एंड ए ह्यूमरस मैनर हाईलाइट द डिफरेंशियल एक्सपेक्टेशंस फॉर फादर एंड मदर्स। तो यहाँ पर क्या है कि जो फादर एंड मदर है उससे क्या है कि डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं। मदर से अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं एंड जो फादर हैं उनसे अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं एक्सपेक्टेशंस को हाईलाइट किया गया है इस पोएम में। द पोएम डिस्क्राइब हाउ मैन एंड वुमेन सीम्स टू ऑपरेट इन टू डिस्टिंक्ट स्पेयर्स। तो यहाँ पर इस पोएम में बताया गया है कि किस तरीके से मैन और जो वुमेन हैं वो दिखाई देते हैं ऑपरेट करते हुए दो डिफरेंट स्फेयर्स को, यानी कि दोनों ही अलग अलग एरिया में काम करते हैं। वाइल वुमेन आर नेचुरली एक्सपेक्ट टू टेक केयर ऑफ द डोमेस्टिक स्फेयर। दो स्फेयर हैं, एक है घर का और एक है घर के बाहर का एरिया। तो यहाँ पर जो वुमेन है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो घर है उसे संभाले, घर की देखभाल करे। टेक केयर का मीन्स होता है देखभाल करना। एंड मैन आर एज नेचुरली एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक स्फेयर। एंड जो मैन है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पब्लिक स्फेयर में पार्टिसिपेट करे, यानी कि घर से बाहर के जो काम है वो मैन के द्वारा किए जाने चाहिए। ट्रेडिशनली अ मैन्स रोल इज सेम्स एज द प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर। पहले के समय से ही ये देखा जाता है कि जो मैन का रोल है वो मेनली क्या होता है, प्रोवाइडर का, यानी कि फैमिलीज़ की जितनी भी नीड होती है, फैमिली में जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी जो नीड है उन्हें फुलफ़िल करने का जो काम है वो मैन का होता है। जो मैन होता है वो एक प्रकार का प्रोवाइडर है, जो कि उनकी हर एक नीड, हर एक चीज़, हर एक जो कोई भी नीड वगैरह होती है उन्हें प्रोवाइड करवाता है एंड प्रोटेक्टर। एंड इसके साथ ही जो मैन होता है वो फैमिली का प्रोटेक्टर होता है, यानी कि फैमिली को प्रोटेक्ट करने का मेन काम किसका है, मैन का। एंड ए वुमेन्स एज द टेक केयर ऑफ द बोथ द होम एंड द फैमिली। एंड जो वुमेन है उसका मेन रोल क्या है कि वो फैमिली और जो घर है उसकी टेक केयर करे। वाइल मैंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी इज सेलिब्रेट। और यहाँ पर क्या होता है कि जो मैन का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी में उसे तो सेलिब्रेट किया जाता है, मीन्स कि जो मैन के काम है, नॉर्मल सी बात है कि अगर वो घर से बाहर के काम कर रहा है तो सोसाइटी में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, जिसके कारण उसके जो मैन के वर्क होते हैं उसे तो सेलिब्रेट किया जाता है, मीन्स उसे अप्रिशिएट किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो वुमेन्स का इनविजिबल लेबर है, यानी कि जो वुमेन के द्वारा काम किए जाते हैं घर पर, एट होम्स गोज एक्नॉलेज्ड एंड ऑफकोर्स अनपेड। तो जो घर पर वुमेन काम करती है उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है और उसका जो लेबर होता है वो अनपेड रह जाता है, मीन्स कि उसे अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। वाइल अंडरलाइनिंग हाउ, यहाँ पर वर्ड समझ नहीं आ रहा है, हाउ डबली डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर वुमेन टू सक्सीड। तो यहाँ पर वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है सक्सेस होना। द पोइम ऑल्सो इम्प्लाइज दैट। तो इस पोइम में यही कहा गया है कि वुमेन सक्सेस इन द पब्लिक स्फेयर इज़ नोटिस्ड एंड रिमार्केबल अपॉन प्रिसाइसली। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि अगर वुमेन की सक्सेस होती है एक पब्लिक एरिया में तो उसे नोटिस, यकीनन उसे क्या है कि नोटिस किया जाएगा, रिमार्केबल वर्क होगा वो उसका, बिकॉज इट इज़ कंसिडर अनयूजल, क्योंकि ये चीज़ है जो वो असाधारण मानी जाएगी कि जो वुमेन है वो घर के अंदर घर की देखभाल करती है, घर में भी काम करती है और घर के बाहर के जो काम है उसे भी करती है, जिसके कारण जो वुमेन का वर्क है उसे क्या है कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। सो ये जो पोएम की टेक्स्ट है इसे स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको ये जो टेक्स्ट है वो समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन एरिस्टोटल रॉट हिज बुक, जब एरिस्टोटल्स हैं
वो अपनी बुक को लिख रहे होते हैं वैन मिल्टन सर्च फॉर राइम, एंड जो मिल्टन जो कि एक पॉइंट है वो राइम्स सर्च कर रहे होते हैं, मीन्स कि वो पॉइंट्स जब लिखते हैं तो उसकी जो राइम्स है उसे सेट करते हैं. डिड दे हैव टॉडलर एट द नी रिक्वेस्टिंग डिनर टाइम, तब उनके जो टॉडलर्स, टॉडलर का मीन्स होता है उनके जो बच्चे जो कि अभी अभी चलना शुरू करते हैं या फिर चलना सीखते हैं, तो वो किसके पास आते हैं एट द नी रिक्वेस्टिंग डिनर टाइम, कि डिनर का टाइम हो चुका है तो डिनर के लिए वो किसके पास रिक्वेस्ट करते हैं. व्हेन डांटे कॉन्टेम्पलेट हेल और शेक्सपियर पेनेट और सोनेट, जब डांटे है जो वो हेल के बारे में सोच रहे होते हैं यानी कि अपने थॉट्स रख रहे होते हैं उसके बारे में, यानी कि परिकल्पना करना इमेजिनेशन कर रहे होते हैं, एंड जो शेक्सपियर है वो सोनेट लिख रहे होते हैं. डिड जूनियर इंटरप्ट टू से, तब उनके जो जूनियर हैं वो उन्हें इंटरप्ट करते होंगे और ये कहते होंगे हिज केक हैड कैचअप ऑन इट, कि उनके जो केक है उसके ऊपर कैचअप लगा दो. तो यहाँ पर मेन बात क्या कही गई है कि जो दो ऊपर वाली लाइन्स हैं वो तो ये बताती है कि मैन क्या काम करता है, और जो नीचे वाली लाइन है उनमें ये कहा गया है कि उनके जो बच्चे हैं जब उन्हें किसी चीज़ की नीड होती है या फिर उन्हें जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो जो काम है वो कौन करता है, तो वो उनकी वाइफ करती है, वो एक वुमेन करती है. तो जो मैन के द्वारा काम किया जाता है वो तो सोसाइटी में अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन वो मैन है जो वो जो काम कर चुका है वो किसकी कारण कर चुका है, किसकी हेल्प के कारण वो कर चुका है, उसे कभी भी नोटिस नहीं किया जाता. अगर वुमेन बच्चों को नहीं संभालेगी तो बच्चे हैं जो वो क्या है कि मैन को डिस्टर्ब करेंगे, तो मैन वो काम कभी कर ही नहीं पाएगा. तो यहाँ पर जो वुमेन है उसका भी एक बहुत ज़्यादा मेन रोल रहता है, लेकिन उसके ये जो लेबर होता है वो कभी भी किसी को दिखाई नहीं देता है. तो उसी के बारे में कहा गया है कि जो बच्चे हैं वो क्या है कि जब भी उन्हें भूख लगती है तो वो किसके पास जाते हैं, तो वो वुमेन के पास जाते हैं, अपनी मदर के पास जाते हैं, और जो मदर होती है वो उन्हें खाना खिलाती है. और अगर उन्हें बच्चों को केक पर कैचअप चाहिए तो ये काम भी क्या है मदर करती है. व्हेन सोक्रेट्स वाज टीचिंग यूथ, जब सोक्रेट्स यूथ को पढ़ा रहे होते हैं, एंड प्लूटो रोट द फिदो, एंड जो प्लूटो है उन्होंने एक फिदो लिखा था, वर द वंस टू क्लीन द मैस द चिल्ड्रन मेड विथ प्ले डो, तब उनके जो बच्चे होते हैं जब वो प्ले डो का मीन्स होता है कि क्ले वगैरह के साथ खेलना, जिससे क्या होता है कि जो मैस हो जाता है, जो गंदगी वहाँ पर फैल जाती है, उसे कौन साफ करता है, तो वो वुमेन जो वाइफ होती है वही साफ करती है. तो ये काम कौन कर रही है, वाइफ. लेकिन अगर मैन के द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो वो नोटिस किया जा रहा है, लेकिन जो वुमेन इतना काम कर रही है, जो घर को संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, उसके काम को कभी भी नोटिस नहीं किया जाता है. इफ़ एडमंड ब्रूक हैड टू वर्क, अगर एडमंड ब्रूक के पास काम है, एंड ऑन ऑल हिज किड एब्लूशन, एब्लूशन का मीन्स होता है साफ करना, नहलाना धुलाना, तो ये जितने भी काम होते हैं बच्चों को नहलाना, खाना खिलाना, उनकी जो भी काम है छोटे मोटे वो सभी कौन करती है, तो वो वुमेन ही करती है. वुड ही हैव हैड द टाइम एंड स्ट्रेंथ टू स्पीक ऑन रिवोल्यूशन, तो ये अगर काम अगर एक मैन करेगा तो क्या उसके पास इतना टाइम, इतनी स्ट्रेंथ है कि वो रेवोल्यूशन के ऊपर बोल सके. तो इसमें यही कहा गया है कि अगर एक मैन ये सभी काम करने लग गया वुमेन वाले, तो क्या कि उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो इतने ग्रेट चीज़ों को लिख सके. व्हेन होमर रोट हिज इलियड, जब होमर है जो उन्होंने अपनी इलियड लिखी होगी, एंड एसोप टोल्ड ऑफ फैबल, और उन्होंने जब अपनी फैबल को बताया होगा, कथा सुनाई होगी, वर दे कंसर्न अबाउट हुज टर्न, तो उन्होंने क्या कभी सोचा होगा कि अब किसकी बारी है. इट वाज टू सेट द टेबल, कि अब टेबल को कौन सेट करेगा, मीन्स कि खाने का जो टेबल है अब उसे कौन लगाएगा. तो ये सब काम कौन करती है, तो ये एक वुमेन ही करती है. व्हेन न्यूटन फ्यूज्ड विद कैलकुलस और लेबर इन हिज लैब, जब न्यूटन है वो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं या फिर अपनी लैब में काम कर रहे होते हैं. डिड ही कंपेयर, तो क्या वो कंपेयर करते हैं वाइटनेस ऑफ हिज लॉन्ड्री डन विथ फैब, जो इन्होंने क्या है कि एक फैब क्या है कि एक अमेरिकन ब्रांड है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ लिखा हुआ है फैब पॉपुलर अमेरिकन ब्रांड ऑफ लॉन्ड्री डिटर्जेंट, तो ये क्या है कि एक प्रकार का डिटर्जेंट है, एक ब्रांड है अमेरिका की. तो जब वो ब्रांड उन्होंने बनाई होगी तो उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट किए होंगे क्या उससे, यानी कि क्या उस डिटर्जेंट से वाइटनेस आती है या फिर नहीं. तो ये जो चीज़ है ये कंपैरिजन है जो ये एक वुमेन ने ही किया होगा, उनके वाइफ ने ही किया होगा. डिड फूड गेट रॉट,
तो कौन खाना लेकर आया होगा, किसने खाना खरीदा होगा, व्हेन डार्विन सॉट द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, जब डार्विन है जो वो काम कर रहे थे द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के ऊपर, तब ये खाने वगैरह से रिलेटेड जो भी काम है वो कौन करती है, तो वह एक वुमेन ही करती है. और डिड ही हैड टू द हर्श द टॉट एंड टेल दैम नॉट टू टीज प्लीज, और जब बच्चे शोर मचा रहे होते हैं तब उन्हें कौन चुप करवाता है, कौन उन्हें कहता है कि शोर मत मचाओ, तो ये एक वुमेन ही होती है जो बच्चों को चुप करवाती है, बच्चों को संभालती है, जिससे कि जो मैन है वो अच्छे से अपना काम कर सके. व्हेन होम्स एंड ब्रांडिस डॉन्ड देयर रॉब्स, तो जब ये लोग अपने जो कपड़े वगैरह हैं उन्हें दान देते होंगे, एंड गिव देयर वाइस ओपिनियन, और जब अपने वाइस बुद्धिमान ओपिनियन अपने अच्छे विचार देते होंगे, वास लॉन्ड्री पिल्ड अप 4 feet high, मतलब जब इन्होंने अपने कपड़े दान वगैरह देने होंगे तब क्या कि वहाँ पर कपड़ों का क्या कि एक बहुत बड़ा 4 feet high यानी कितना ऊंचा वहाँ पर कपड़ों का ढेर लग जाता होगा, जिसमें सॉक्स मिक्स्ड विद द लाइनन, जिसमें सॉक्स वगैरह भी मिक्स्ड होती होगी लाइनन के साथ, तो उन्हें अलग कौन करता होगा, कौन अच्छे तरीके से उन कपड़ों को सेट करता होगा, तो ये सब भी जो काम है वो वुमेन के द्वारा ही किए जाते हैं. हाउ मच ग्रेटर, इस तरीके से जो वुमेन है वो कितनी ज़्यादा ग्रेटर है देन द टास्क ऑफ दोज हु मैनेज बोथ, जो वुमेन ये दोनों ही काम कर लेती है, मीन्स कि जो फैमिली को भी संभाल रही है और फैमिली से बाहर भी काम करती है, जो इन दोनों ही काम को मैनेज कर लेती है, तो ये जो टास्क है ये बहुत ज़्यादा क्या है कि बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, जिसके कारण क्या है कि उन्हें और ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाना चाहिए. हु जगल स्कॉलरशिप एंड विद चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, कि वो बच्चों को भी संभालती है, बच्चों का जो पालन पोषण है वो भी अच्छे से करती है. एंड हाउ मच ग्रेटर इज़ द प्रेज, तो कितनी ज़्यादा उनकी प्रेज उनकी तारीफ की जानी चाहिए फॉर दोज उन लोगों की हु प्रिजर्व, जो कि अपने काम को कंटिन्यू बनाए रखते हैं एंड फिनिश देयर एडवांस डिग्रीज, और अपनी जो डिग्रीज हैं उन्हें पूरा करते हैं एंड टेक अप अ करियर, और अपना एक करियर बनाते हैं. तो इसी के बारे में यहाँ पर इस पोएम में बताया गया है. एंड यहाँ पर ये जो ग्लोसरी वर्ड्स हैं इन्हें भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये जो वर्ड हैं इनकी जो डेफिनेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द हाउस वर्क दैट वुमेन डू इन द पोएम, कि जो वुमेन के काम हैं घर पर उन कामों के बारे में एक लिस्ट बनानी है, मीन्स उन कामों वर्क्स के बारे में बताना है. तो जो वुमेन है वो बच्चों को संभालती है, बच्चों को नहलाती धुलाती है, बच्चों को खाना खिलाती है, बच्चों के द्वारा जो भी मैस किया जाता है उन सबको साफ करती है, बच्चों को चुप करवाती है जब मैन काम कर रहा होता है. उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेक ए लिस्ट ऑफ द प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशन ऑफ द मैन इन द पोएम, कि ये जो मैन है उनके क्या काम है, उनका क्या प्रोफेशन है, उसके बारे में बताना है. इसीलिए आपके लिए ग्लोसरी इंपॉर्टेंट है कि जो एरिस्टोटल है वो कौन है, उनका क्या काम है, उन्होंने किस पर काम किया था, सोक्रेट्स है जो उन्होंने किस पर काम किया है, डांटे ने किस पर काम किया है, तो इन सब के लिए आपको ये जो ग्लोसरी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर जितने भी पर्सनस हैं उनके जो काम है उन्हें आपको यहाँ पर बताना है. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द काइंड ऑफ वर्क दैट मैन एंड वुमेन डू, क्या डिफरेंस है मैन और वुमेन के काम करने में. तो जो वुमेन होती है वो घर का काम करती है, घर पर घर को फैमिली को बच्चों को संभालती है, और जो मैन होता है वो घर के बाहर का काम करता है. यहाँ पर जो मैन है वो क्या है कि कोई मैन है जो वो एक जज के रूप में है, तो कोई एक कवि है, मीन्स कोई एक पोइट है, कोई सोनेट लिख रहा है, तो कोई यानी कि अलग अलग काम कर रहे हैं. और जो वुमेन है वो बच्चों को संभाल रही है, बच्चों को चुप करवा रही है, बच्चों के द्वारा जो गंदगी है उसे साफ कर रही है, तो ये सभी उनके क्या है काम बताए गए हैं. इसके बाद आगे लिखा हुआ है सम ऑफ द नेम मेंशन इन द पोइम आर द मैन हु वर ग्रेट चैम्पियन ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल, इज द पोइम हाईलाइटिंग द इरोकॉनिक गैप बिटवीन व्हाट दे प्रीच एंड व्हाट दे प्रैक्टिस. तो यहाँ पर उन लोगों के बारे में बताया गया है कि जो कि चैम्पियन है राइट्स, जो कि राइट्स के बारे में बताते हैं, और ये बताया गया है कि क्या उनके बीच में गैप है जो वो बोलते हैं और जो वो करते हैं. तो वही इस पॉइंट में आपको बताए गए हैं कुछ लोगों के बारे में, तो आपको वही चीज़ें लिखनी हैं. तो यहाँ पर ये जो पर्सन है इनके बारे में लिखना है, होम्स एंड ब्रांडिस हैं जो इनके बारे में भी आप लिख सकते हो.
सो होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी. इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स. तो सेंट्रल आइडिया मेन क्या है कि ये जो पोइम है अबाउट द पोइम, इसके बारे में आप लिख देना. ये वाली जो स्टार्टिंग की लाइन्स है, पहले आप ये चीज़ें लिख देना. इसके बाद सेंट्रल आइडिया क्या है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि मैन के वर्क को अगर हम अप्रिशिएट करते हैं तो हमें वुमेन के वर्क्स है जो उन्हें भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, क्योंकि वुमेन्स के जो वर्क होते हैं वो भी कम इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, बल्कि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है. सो होपफुली आपको ये जो पॉइंट है वो समझ में आ गई होगी. किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.